पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों, नागरिक सुरक्षा संगठन, रेलवे स्काउट एवं गाइड के सदस्यों तथा पूर्वोत्तर रेलवे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। परेड द्वारा राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। इस अवसर पर महाप्रबंधक रमन ने सेवानिवृत्त हुए गौरी शंकर नायक, वरिष्ठ अनुदेशक बहुविषयक प्रगति प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर एवं सेवानिवृत्त मैट्रन ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर श्रीमती विन्नी टोबिट को सम्मानित किया। महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने उत्कृष्ट सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित रेलवे सुरक्षा बल मुख्यालय गोरखपुर के सहायक उपनिरीक्षक दिवाकर शुक्ला को बधाई दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से 73 वर्ष पूर्व हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ था। आज का दिन हम सभी को अपने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। महाप्रबंधक ने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। 6 स्टेशन पुनर्विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं। इस वर्ष 41 स्टेशनों पर 54 प्लेटफार्मों का निर्माण विस्तार का कार्य पूरा किया गया। यात्रियों की सुविधा हेतु कन्नौज, इज्जत नगर, बिलथरा रोड एवं भटनी स्टेशन पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाया गया। इस वर्ष 36 स्टेशनों पर पैदल उपरिगामी पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है। महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा कि वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आरक्षण दलालों के 103 मामले पंजीकृत कर 111 व्यक्तियों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस वित्त वर्ष में दिसंबर तक स्टेशनों एवं गाड़ियों से 546 खोए लावारिस बच्चों को बरामद कर उन्हें उनके परिजनों अथवा नामित संस्थाओं को सुपुर्द किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन श्रीमती शिवानी सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज से 73 वर्ष पूर्व हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ और भारतीय संविधान लागू हुआ। श्रीमती सिंह ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों के पालन पर ध्यान देकर देश के बहुमुखी विकास में योगदान दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन के अध्यक्ष शिवानी सिंह एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने कहा, एवं रेलवे सुरक्षा बल तथा विशेष बल की बैंड टीम के द्वारा राष्ट्रगान की लंगर मन की धुन बजाई जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इस समय अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तिरंगे को सम्मान दें। गणतंत्र दिवस पर आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। इंस्पेक्शन व्हीकल हैज अराइव्ड। द चीफ गेस्ट इज बीइंग स्कॉर्टेड बाय आईजी सर एंड द परेड कमांडर इंस्पेक्टर एसके मिश्रा। After completion of B.Tech from IIT Kharagpur, Sri Chandravir Raman joined Railways to Indian Railway Services of Stores IRSS batch of
मंच से गुजारने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर श्री एस के मिश्रा गॉट परमिशन फ्रॉम द चीफ गेस्ट टू मार्च द परेड। परेड कमांडर श्री एस के मिश्रा बदल दो जमाना बड़ा जगमगा दो पसीना बहा दो कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की बनाओ उसे तो कोमल बहुत ही सरल है उसे तो गिराना बहुत ही सरल है बने खेल महा करना अगर कर सकूं तो उसे कर देना बदल दो जमाना। संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सीमा पर तैनात सेना एवं सुरक्षा बल के जवानों के पराक्रम एवं कर्तव्य निष्ठा की सराहना करता हूँ जो विषम परिस्थितियों में भी देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में
अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने तीनों मंडलों इज्जत नगर, वाराणसी एवं लखनऊ के 505 स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षित, संरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रहा है। हम पूर्वोत्तर रेलवे की आधारभूत संरचना एवं कार्य प्रणाली का आधुनिकीकरण कर यात्रियों को बेहतर एवं द्रुतगामी सुविधा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आधारभूत संरचना के विकास के क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे पर वर्ष 2022 में अब तक सातवार बलिया, ज्ञानपुर रोड, खंडिया खास, रामनाथपुर, फेफना गाजीपुर सिटी, मोतीगंज रोही, फेफना रसरा, सरिया फरिया, प्रसली विश्वास सरिया खंडों के 218 किलोमीटर का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया। तुलना हॉल्ट स्टेशनों को क्रॉसिंग स्टेशन में परिवर्तित किया गया। परिचालन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण गोंडायार रिमॉडलिंग का काम, 54 प्लेटफॉर्मों का निर्माण विस्तार का कार्य पूरा किया गया। यात्री की सुविधा हेतु लखनऊ नगर बोर्ड की स्थापना की गई। इस वक्त 26 स्टेशनों पर पैदल मुकरी गामी पुल का निर्माण किया गया। चलाया जा रहा है। आय के क्षेत्र में वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर तक यात्री मैथिली शरण गुप्त की कुछ कहानियाँ याद आती हैं। मुक्त गगन में मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो। मुख्य अतिथि से विसर्जन की अनुमति देते हुए अतिथि महोदय द्वारा विसर्जन की अनुमति परेड कमांडर परेड की ओर जो एक्स सीनियर इंस्ट्रक्टर गोरखपुर रहे हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30/4/1994 है। इनकी आयु 88 वर्ष हो चुकी है। रेलवे में सेवा देने के लिए माननीय महाप्रबंधक महोदय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। स्वागत करता हूँ, जिनकी आयु 86 वर्ष है। रेलवे अस्पताल में वैटरन के रूप में इन्होंने अपनी विशिष्ट सेवाएं दी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे इनका आभारी है। दर्शकों से अनुरोध, कृपया तालियों से इनका सम्मान बढ़ाया जाए। एक गर्व का एहसास तो होता है आज के दिन, भले हम बाकी सब दिनों में इतना नहीं सोचें, पर आज हृदय तो मजबूर होता है। सबके लिए श्रद्धांजलि मन में होता है, एक बहुत बहुत ज़्यादा हृदय में आदर का भाव, न शत नमन करने का मन करता है। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने हमारे जितने नेता लोग जिन्होंने संविधान की रचना की, क्योंकि इतनी बारीकी से और इतने हर एक फील्ड में सब कुछ सोचते हुए कि आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, सबका फैसिलिटीज देते हुए इतना सोच करके हमारे संविधान को उन्होंने तैयार किया, तो उसके लिए तो बहुत मन में हम सब जो है अंदर से एक एक इनक्रेडिबल फीलिंग सी आती है कि कैसे थे, और हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे हमेशा। और हम
आज के दिन तो ये लगता है कि जितने भी मौलिक उन्होंने संविधान में हमें दिया है अधिकार, और हम जनरली अधिकार की बात करते हैं पर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तो आज का दिन तो हमें मजबूर करता है ये सब सोचने के लिए कि एज अ नागरिक, एज अ गुड सिटीजन, हम लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सिर्फ अधिकारों की ना सोचें लेकिन कर्तव्य उसका पालन भी करें, है ना। इस अवसर पर तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई भी दूँगा, और ये सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज इस महा शुभ दिन पर हम लोग यह प्रण लें कि हम अपना काम पूरी सच्चाई से करें, पूरी ईमानदारी से करें, जो भी हमें लक्ष्य दिया गया है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी गुणवत्ता के साथ करें। और जहाँ तक रेलवे का है तो मैं यही कहूँगा कि हम अपने लोगों से कि हमारी जितनी भी परियोजनाएँ हैं उसको गुणवत्ता से समय पर पूरा करें। हमें ये देखें कि गाड़ियों का संचालन जो है सुरक्षित हो और लोगों को की जर्नी जो आरामदायक हो, और यही उम्मीद करते हैं लोगों से, अपने रेल कर्मियों, रेल साथियों से। धन्यवाद।